हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। समाजवादी विचारधारा फैले, मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो, सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूं यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है, यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर रोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर रोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार, मांग रहा है रोजगार।